करनाल के मधुबन स्थित हर्षवर्धन ऑडिटोरियम में आईजी करनाल एवं आईजी ट्रैफिक हरियाणा डॉक्टर श्री राजश्री के नेतृत्व में 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया, जिसमें मधुबन में ट्रेनिंग ले रहे नए सिपाहियों को एवं SHO को रोड सेफ्टी जागरूकता कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और उनको अपनी दैनिक दिनचर्या में अपनाने का आह्वान किया गया। हरियाणा ट्रैफिक IG डॉक्टर राशि ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि हमारा दायित्व है कि क्राइम को रोकने के साथ साथ हमें ट्रैफिक के माध्यम से हो रही दुर्घटनाओं को भी रोकना जरूरी है और जो नए कर्मचारी हरियाणा पुलिस में कार्यरत होने जा रहे हैं उनको आरंभ में ही ऐसी शिक्षा दी जाए जो समाज के हित में हो और यातायात के माध्यम से हो, जो सड़क दुर्घटनाओं और मौत के बढ़ते आंकड़े को रोकने में हितकारी होगी। इस मौके पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ नाटक का भी मंचन किया गया, जिसमें कलाकारों द्वारा यातायात के नियमों को अपनाने के बारे में नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया। इस मौके पर फर्स्ट एड के बारे में एवं सड़क पर हो रही दुर्घटना में घायल व्यक्ति को किस प्रकार से अस्पताल में ट्रांसफर करना है उसके बारे में भी विस्तार से स्क्रीन के माध्यम से जानकारी दी गई। इस मौके पर पूरे हरियाणा से ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। दिवसीय जो ये कार्यशाला शुरू होने जा रही है रोड सेफ्टी के बारे में, इसमें हमने अलग अलग तरीके से लोगों को सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन के तौर पे हमने लिया है और जो हमारे सब इंस्पेक्टर ट्रेनीज हैं, अंडर ट्रेनिंग है, अगर अभी से उनके मन में ये एक डाल दी जाएगी बात कि रोड सेफ्टी भी जो है एक गंभीर विषय है तो क्राइम के साथ साथ इस विषय के ऊपर भी ध्यान देना है, तो ये हमारे सब इंस्पेक्टर जो नए अभी जो आए हैं पुलिस में उनका ज्ञान बढ़ाना भी हमारा ध्येय है और साथ में उनको एक अवेयरनेस भी देना जरूरी है कि ये एक इंसानी फर्ज है, साथ साथ वो पुलिस ऑफिसर भी हैं तो एक तरीके से वो सब लोगों को इस बारे में बता सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट विषय है। जिस तरह के ट्रैफिक एक्सीडेंट क्या बात कर रहे हैं आप, वो आकलन भी करते होंगे, सबसे मेजर जो वजह है वो क्या नजर आती है? सबसे जो मेजर जो वजह है इसकी रोड एक्सीडेंट्स की वो ओवर स्पीडिंग ऑफ व्हीकल्स है, वो चाहे शराब पी के चलाई जाए या फिर जो बच्चे माइनर जो ड्राइवर्स होते हैं उनमें अवेयरनेस की कमी होती है, वो एक कहावत है स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, तो उस चीज़ की तरफ भी हमें ध्यान दे रहा है। छोटे बच्चों को जिनको लाइसेंस नहीं मिला है उनको गाड़ियाँ नहीं थमानी चाहिए माँ बाप को, ये नहीं कि आपको ट्यूशन जाना है तो आप स्कूटी लेके चले जाओ, आप हेलमेट का ध्यान नहीं रख रहे हो, आपको ये नहीं पता है कि ट्रैफिक के नियम क्या है। आप यकीन मानिए कि जो भी ड्राइवर गाड़ी लेके सड़क के ऊपर निकलता है वो पशुओं से भी ज़्यादा डाइसी है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि पशु तो विवेकहीन है लेकिन हमारे विवेक होते होते भी हम ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनको जानबूझ के उनकी अवहेलना करते हैं, उससे हमारी ज़िंदगी तो खतरे में है ही है लेकिन बाकी रोड यूजर्स भी उनकी ज़िंदगी भी खतरे में आ जाती है। और जो अभी मौजूद हैं उनको अब किस प्रकार समझाया जाए, जब तक उसको या तो बैटरी ओरिएंटेड ना करा किया जाए, उनके कारण पोल्यूशन हो रहा है सब, तो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को भी देखना पड़ेगा, ये वाहन जो आ रहे हैं चलान हो सकते हैं, उसके बाद रोकथाम तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डिसमेंटल वगैरह इसकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस तरह से मॉडिफाइड कर दिए गए हैं जो बिल्कुल असुरक्षित है, तो पुलिस उस समय कार्रवाई क्यों करती है? पुलिस उस समय करती है पर आप देखिए जनसंख्या भी कितनी है, आप देखिए दूर दराज के इलाकों से शुरू होते हैं, पहले ध्यास से शुरू होते हैं फिर धीरे धीरे इनको कॉपी के करके शहर में आ जाते हैं, फिर और भी दूसरे वाहनों का जो जिनको लोड ऑथराइज है उनका लोड ये खुद लेने ले जाते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहे थे भी कि ट्रैक्टर जो है उनका कोई साथ में बॉडी लगती थी उनकी बॉडी वो ईट ले गए तो उनके खिलाफ ट्रक ऑपरेटर चले गए, तो इसी प्रकार का तो है, बहुत बड़ी समस्या है, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।